शत्रुघ्न का पिछला जन्म। शत्रुघ्न राम के सबसे छोटे भाई थे। कृतवंदन राम की सेना का सेनापति था। शत्रुघ्न ने मथुरा पर विजय प्राप्त की और उसका राजा बना। शत्रुघ्न को मथुरा से इतना लगाव क्यों था और कृतवंदन को शत्रुघ्न से इतना लगाव क्यों था, इसका कारण मुनि देशभूषण और मुनि कुलभूषण ने बताया। शत्रुघ्न का जन्म मथुरा में पुरोहित श्रीधर के रूप में हुआ था। रानी ललिता ने उनके सामने एक अभद्र प्रस्ताव रखा और राजा के अचानक आने पर दोष श्रीधर पर डाल दिया। श्रीधर ने मानसिक रूप से स्थिति से बाहर निकलने पर संन्यास ग्रहण करने की कसम खाई। मुनि कल्याण ने सच्चाई का खुलासा किया। श्रीधर घोर तपस्या की और देवलोक में पूर्ण अवतार लिया। शत्रुघ्न की आत्मा एक बार फिर मथुरा में अवतरित हुई। वह 8 राजकुमारों में सबसे छोटा और अपने पिता का पसंदीदा था। राजा चंद्रप्रभा उसका नाम अचल था, वह जंगल में भाग गया जब वफादार मंत्रियों ने उसे अपने ईर्ष्यालु भाइयों की उसे मारने की योजना के बारे में बताया। एक कांटा उसके पैर में चुभ गया और उसके अंक नाम के लकड़हारे ने हटा दिया। अचल ने लकड़हारे से कहा कि जब वह सिंहासन पर चढ़े तो शाही दरबार में आ जाए। अचल ने कौशाम्बी के राजा इंद्रदत्त को अपनी तीरंदाजी कौशल दिखाया, जिन्होंने अपनी बेटी का हाथ और उसे बहुत सारी संपत्ति दी। अचल ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की और अपने भाइयों को हराया। वह सिंहासन पर चढ़ा और श्रावस्ती का राजा बना। आखिरकार आंचल और अन्य समुद्र सूरी के अधीन भिक्षु को गले लगा लिया। 5 देवलोक में स्वर्गीय देवताओं के रूप में दोस्ती जारी रही और फिर शत्रुघ्न एक कृतंतवादन के रूप में फिर से अवतरित हुए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।